छत्रपति शिवाजी महाराज की बायोपिक सुपरस्टार सलमान खान क्यों करना चाहते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज की बायोपिक का बजट करीब 600 से 700 करोड़ क्यों रखा जा रहा है? आखिरकार छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय इतिहास का महापुरुष क्यों माना जाता है? हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। सुपरस्टार सलमान खान सुल्तान के बाद छत्रपति महाराज शिवाजी की बायोपिक करने जा रहे हैं। वैसे तो सुपरस्टार सलमान खान ने इससे पहले सूर्यवंशी और वीर जैसी फिल्में कर चुके हैं। ये जो दोनों फिल्में थी ये मेथोलॉजी से प्रेरित थी, लेकिन सलमान खान पहली बार कोई ऐतिहासिक करेक्टर करने जा रहे हैं। और हां दोस्तों, यह सलमान खान को आइडिया अजय देवगन की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर से आया, क्योंकि तानाजी द अनसंग वॉरियर में सलमान खान शिवाजी महाराज का रोल पोर्ट्रेट करते हुए नजर आएंगे। उसी समय सलमान खान को लगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन को लोगों के सामने दिखाना चाहिए, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसमें बहुत ही ज्यादा जीवन दर्शन छुपा हुआ है। एक सीख देता है, एक सबक देता है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने दम पर अंग्रेजों के और मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आते ही हर भारतीय गर्व से अपना सीना चौड़ा कर देता है, क्योंकि उनका जो पौरुष था अपने आप में लाजवाब था। वो कभी किसी के सामने झुके नहीं, क्योंकि उनके युद्ध करने की जो नीति थी लाजवाब थी, छापा मार युद्ध नीति। छत्रपति शिवाजी महाराज ने लोगों को दिखाया कि किस प्रकार से दुश्मनों को कुचला जा सकता है। यही नीति आज भी भारतीय फौज कभी कभी अपनाती है, वो होती है शिवाजी छापामार युद्ध नीति। जैसा कि अभी जो हमारे देश के 40 सैनिक शहीद हुए हैं, अगर बदला लेना है तो छत्रपति शिवाजी महाराज वाली नीति अपना करके उन दुश्मनों को ध्वस्त कर दो। और इस फिल्म का बजट 600 से 700 करोड़ इसलिए रखा जा रहा है कि जब भी किसी ऐतिहासिक फिल्म का निर्माण किया जाता है तो खर्चा बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि इसका सेट बहुत महंगा होता है, उस पीरियड का सेट बनाना पड़ता है। जैसे कि सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने की फिल्म जोधा अकबर थी, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था आशुतोष गोवारिकर ने, लेकिन इस फिल्म का जो सेट था अपने आप में लाजवाब था। और अभी जो आप लोग देख रहे हैं अजय देवगन की एक फिल्म आ रही है तानाजी अनसंग वॉरियर, इस फिल्म में भी बहुत ही ज्यादा पैसा बहाया जा रहा है। और यही कारण है कि सलमान खान भी शिवाजी महाराज पर बनने वाली बायोपिक में पैसे की कमी नहीं होने देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि शिवाजी के जीवन को हूबहू वैसे ही दिखाया जाए जैसा कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो दोस्तों, मेरा तो यह मानना है कि यह जो फिल्म बनेगी वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म होगी। और यह भी कहा जा रहा है कि इस फिल्म का जो शूट है वो हॉलीवुड एक्शन फिल्मों की तरह होगा, क्योंकि जो युद्ध है वो इस प्रकार से दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से सैनिक छापा मारते थे, और छापे के दौरान जो कत्ले आम होता था उस कत्ले आम को दर्शाने के लिए आपको बीएफएक्स का सहारा लेना पड़ेगा, आपको एक ऐसी तकनीकी का सहारा लेना पड़ेगा जो शाहरुख खान ने जीरो फिल्म में लिया था और जो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में आमिर खान ने लिया था। माना कि ये दोनों फिल्में फ्लॉप हो गई थी, लेकिन अब यह देखना है कि सलमान खान की फिल्म शिवाजी महाराज क्या बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा पाती है या नहीं। लेकिन मेरा तो यह मानना है कि यह फिल्म बाहुबली और दंगल का रिकॉर्ड तोड़ देगी। तो दोस्तों,
आपको क्या लगता है? लेकिन जाते जाते आपके एक प्रश्न का मैं जवाब जरूर दे दूं कि इन सारी पीरियड फिल्में और बायोपिक फिल्में क्यों मर रही हैं? क्योंकि बॉलीवुड में कहानियों की कमी आ गई है। हमारे देश का जो यूथ है वो अब तकनीकी का सहारा लेता है। अगर प्रेम भी करता है तो व्हाट्सएप पर ही प्रपोज कर देता है, यहां तक कि शादी कर देता है। उनका बस चले तो सब कुछ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यहीं पर सब कुछ कर दे, तो कहानियां कहां से होंगी? एक मोबाइल पर सारी कहानी खत्म, तो उनकी क्रिएटिविटी वहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, क्रिएटिविटी वहीं आती है जहां आपका जीवन होता है। आपका जीवन एक मोबाइल में नहीं बंधा हुआ है। तो मेरी सलाह मानो दोस्तों, मोबाइल को त्यागो और अपने रिश्तों को मजबूत करो। आज के लिए बस इतना ही।